हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, तेरा हुडिया देख के मेरे औकात के पता मत लगाना, ठीक है? लेकिन औकात या क्या है मेरी, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन दोस्तों, पता है ऐसे हुडिया क्यों बना रखा है? देखो, ऊपर से नीचे तक और एकदम जैसे पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे दस्तान पैर लेते ना, बस हाथों पैर रखे हैं मैंने। क्योंकि दोस्तों, पहनना पड़ता है हमको। ये देखो, ये अपना प्यारा सा ताजमहल। अभी घर से हम निकल के सीधे आए हैं खेत में। ये दोस्तों का खेत है दोस्तों, भिंडी का, जिसमें दोस्तों भिंडी की फसल है। तो दोस्तों, इधर की भिंडी थी, वो हमने एक बोला बनाया था, उसमें हम दोस्तों काट दिया था सारा। देखो वहाँ से मतलब सारा भिंडी की फसल काट दिया है। और ये हमने इसलिए नहीं काटा, इसमें थोड़ा भिंडी देखने मिल रहा है हमको, कहीं कहीं भिंडी की फसल लगा है इसमें। देखो ये भिंडी देखो लगा हुआ है, देखो, ठीक है? तो हम सोच रहे हैं वो ना काटें, पेड़ की भिंडी तोड़ लेते हैं, उसके बाद काटेंगे। फिर क्या फायदा दोस्तों, ये बेचारी भिंडी लगी हुई वो सूख जाएंगे, ठीक है? तो फिर इनको भिंडी को इसमें से निकाल देते, तोड़ लेते, फिर इसको इनको भी काट देंगे, फिर दूसरा फसल इसमें लगाएंगे। समाप्ति होती जा रही है फसल। तो इस बार दोस्तों जी को मेहमान आया हमारे घर पे, हमारे भैया जी वो भी बेचारे काम पे छुट गए हैं। वो देखो, वो आपको सामने दिखी रहे होंगे ये वाले, ठीक है? ये तो मेरा भाई है नीचे वाला, ये मेरा भैया जी बड़े वाले, ठीक है? तो कोई बात नहीं दोस्तों, भिंडी का फसल तोड़ना करता हूँ स्टार्ट। तो जय जय श्री राम, राधे कृष्णा। दोस्तों ये रहा पहला, भिंडी तोड़ चुके हैं, अब इसको तोड़ना पूरा फसल। और ये ऐसे होली इसलिए बनाते हैं ताकि हम फाड़ने खुजली ना हो, खुजली बहुत ज़्यादा होती है भिंडियों में, भिंडियों फसल में, इसलिए दोस्तों। तो पहले फसल तोड़ते हैं उसके बाद। और ये तोड़ रहा हूँ मैं, एंड ये हो रहे मेरे भैया जी जो तोड़ रहे हैं। और दोस्तों, अब सो भिंडी की कटाई भी स्टार्ट हो चुका है। अभी सो टूट रही थी, लेकिन अभी देखो कट रही है भिंडी, काट रहे हैं मैं, मेरा बुआ जी एंड मेरी मम्मी जी। और भिंडी जो इतना सारा अभी कट चुका है, ये देख सकते हो, सारा हमने काट दिया है और अभी काटना और ज़्यादा बाकी है। और ये बुआ पता कौन है दोस्तों? मेहमान आए हुए हैं मेरे घर पे, और मेहमान से हम कटवा रहे हैं दोस्तों भिंडी। ये तो मज़ा ही हो गया दोस्तों, मेहमान काम करा रहे हैं वो भी हमारे घर पे। अबे यार मज़ा ही आ गया। दोबारा आओगी? अब दोबारा आओगी हमारे घर? मैं बताए तो काम करा रहे हैं, दोबारा आएगी? है बता, दोबारा आएगी? बता सही, है मम्मी तो जा रही है। अरे बेटी कटवा रहा है, आने की? अरे आएगी कहना, देखो आप कराएंगे ज्यादा ता से ना रही है। अच्छा हाँ, पता रात भर आओगी बुआ? हैं आएगी? तू आएगा भाई द्वारा? ठीक है दोस्तों, द्वारा नहीं कह रहे हैं, काम इतना कराए फिर भी। बुआ सही बता, मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? हाँ, मजे आ रहे हैं। बुआ को मजे आ रहे हैं? पूछिए एक बार बुआ से। बुआ ऊपर हाँ। देखो, ऊपर देख, ऊपर देखो, मजे आ रहे हैं? दोस्तों बोल ही नहीं पा रही हैं। भैया को तो मजे आ, भाई तो मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। धूप में काम करता अच्छा लग रहा है, धूप में मजा ही अलग है। और पता है इनको लगता है बुआ को मजा नहीं आ रहा है काम करते हुए। वो नहीं करती ना काम, अच्छा एसी वाली है इसलिए धूप में धूप, अच्छा एसी वाली बुआ है इसलिए धूप में, पता है मज़े नहीं आ रहे इनको। कोई बात नहीं, अब एसी वाली नहीं रहेंगे आज से। मेन बात दोस्तों ये है, उनको शर्म इसलिए लग रही है क्योंकि दोस्तों को ना मतलब गांव से, जैसे गांव से तो हम भी हैं, लेकिन हम लोग ब्लॉग बना बना के, वीडियो बना बना के हमारी प्रैक्टिस हो गई, इसलिए मम्मी मेरी जो है वीडियो में बोल देते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जो मेरी बुआ जी हैं वो वीडियो में इतनी आती नहीं, यानी कि उन्होंने पहली बार ऐसे देखा है ना वीडियो आते हो मेरे को, तो इससे दोस्तों थोड़ा शर्म आ रही है, मतलब कि ये वीडियो हर जगह जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, मतलब ये आजकल होता ही दोस्तों, हर गांव में होता है, शहर में इतना नहीं होता, लेकिन गांव वाले सोच हमारे दिमाग से परे है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमें मेहनत करने से मतलब, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अब खेत में सब लोगों ने पानी मंगाया तो पानी लेके चलते हैं। अबे हार गया भाई। अब जो भिंडी थी दोस्तों हमारी पूरा कट गया, एकदम कम्प्लीट हो चुका है। ये देखो सारा भिंडी एकदम कट गया है, ठीक है? और भैया जी अब दूसरा काम कर रहे हैं, वो ये कुछ पेड़ है ना वो ज़्यादा यार इधर आ गए, फिर खेत में लचा रहे हैं, तो उन्हीं को दोस्तों भैया जी काट रहे हैं ताकि यहाँ पे मैदान साफ हो जाए। और सारे पेड़ ना खेत में आ रहे हैं दोस्तों, फिर नुकसान उसका ना, तो इसलिए काट रहे हैं। भिंडी कट चुकी है, अब घर कब जाएंगे समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी घर चलो, घर आओ। चलो ठीक है जी, मम्मी पेड़ भी खींचना पड़ेगा। अरे छोड़ दो, एक पेड़ ये कट गया, अभी और काटेंगे सारे पेड़ों को, जितने ये सारे नहीं मतलब ये नीचे नीचे वाले, फिर बस कामयाब हो जाएगा।